नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 5 वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे फ्लैग पैटर्न के बारे में कि मार्केट में फ्लैग पैटर्न कब बनते हैं, देखने में किस तरह से लगते हैं, हमको किस तरह से इसको ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्लैग पैटर्न एक इस तरह का पैटर्न होता है जैसा हमको फ्लैग दिखाई देता है, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है उस तरह से हमको जैसे फ्लैग दिखाई देता है, उस तरह से ये एक मार्केट में पैटर्न बनता है चार्ट के ऊपर। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें एक पोल होता है इस तरह से, जैसे झंडे में एक पोल होता है, तो ये एक पोल होता है, पोल और ये एक फ्लैग होता है, और इस फ्लैग के बीच में प्राइस जो है कंटिन्यू जो है ट्रेड करता है। ये एक समझ लीजिए आप, ये सपोर्ट एक बन जाती है और एक ऊपर रेजिस्टेंस बन जाता है, जैसा हमने पीछे रेक्टेंगल वाली वीडियो में देखा था। तो वो जो है सीधी सीधी लाइनों में चलता है और ये जो फ्लैग मतलब फ्लैग के टाइप फ्लैग की तरह दिखाई देता है, और फाइनली जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद किस तरह से हमको इसका टारगेट रखना चाहिए, किस तरह से हमको इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये सारी चीजें देखेंगे हम। तो मैं आपको कुछ और पैटर्न दिखा देता हूँ फ्लैग के। देखिए इसमें दो तरह के पैटर्न काम करते हैं, फ्लैग पैटर्न में भी दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है बेयरिश फ्लैग, दूसरा होता है बुलिश फ्लैग। तो बेयरिश फ्लैग में क्या होता है, बेयरिश फ्लैग हमेशा जो है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो बेयरिश फ्लैग बनते हैं और ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं। और बेयरिश फ्लैग क्या होता है, ये मैंने बुलिश फ्लैग के बारे में बताया। और बेयरिश फ्लैग क्या होते हैं, बेयरिश फ्लैग होते हैं ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनते हैं, डाउन ट्रेंड में प्राइस एक पॉज होता है और फिर जो है मतलब थोड़ी देर के लिए प्राइस वहां पर रुकता है, फाइनली ब्रेकआउट करके वो जो है नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे एक ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न का आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, तो ये देखिए यहां पर इसका एक पोल बना हुआ है, यहां पर ये जो है इसकी फ्लैग बनी हुई है। और देखिए टारगेट क्या होता है, जो ये पोल जितना पोल का साइज है, मीन्स मान लीजिए ये प्राइस अगर 200 रुपीज है और ये प्राइस 100 रुपीज है, तो ये 100 रुपीज का मतलब ये पोल का साइज हो गया। इसको हम साइज बोलते हैं कि पोल की लेंथ जो है वो हम प्राइस के अकॉर्डिंग इसको जो है मैनेज करते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए 100 रुपए का ये मूवमेंट, मतलब मान नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो है 200 प्राइस है, यहाँ 100 रुपए है, तो 100 रुपए का जो डिफरेंस है तो ये हमारा सेम टारगेट होता है। ठीक है, तो चलिए आइए मैं आपको कुछ और फ्लैग के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए ये होते हैं बेयरिश फ्लैग, अभी मैंने आपको ये बुलिश फ्लैग है, अभी मैंने आपको बेयरिश फ्लैग का पैटर्न दिखाया था, ये जो मैंने आपको दिखाया था पीछे ये बेयरिश फ्लैग था। ठीक है, ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये जो है फ्लैग बना और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, और ये जो है बुलिश फ्लैग है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेयरिश फ्लैग के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये देखिए ये एक समझ लीजिए यहां पर एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया इस फ्लैग का। ठीक है, जिसको हम डंडा बोलते हैं, ये डंडा हो गया और ये झंडा हो गया। ठीक है, तो ये फ्लैग हो गया और ये पोल हो गया, तो फाइनली जो है ब्रेकआउट जितना होता है तो ये जो पोल का जो साइज होता है वो हमारा टारगेट होता है। ये जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न जो होते हैं वो हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो उस टाइम में बनते हैं। ये देखिए जैसे मार्केट यहां पर देखिए ये पोल बनाया, ठीक है, ये फ्लैग का पोल हो गया और ये फ्लैग का जो है ये फ्लैग हो गई। ठीक है, और फाइनली देखिए ये जो फ्लैग का जो पोल था, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट दिस विल बी टारगेट। ओके, तो ये ब्रेकआउट के बाद जितना पोल का साइज होगा उतना ही इसका ये टारगेट होगा। तो ये फ्लैग पैटर्न के फ्लैग ये कुछ फ्लैग कंटिन्यूशन पैटर्न है जो मतलब मार्केट एक दिशा में जब चलती है, जब मार्केट एक ट्रेंड में चलती है तो वहां पर कई बार प्राइस पॉज होते हैं, पॉज होने के बाद ब्रेकआउट होते हैं, तो इस तरह से मार्केट में जो है चीजें काम करती हैं। तो चलिए आइए मैं आपको चार्ट में लेकर चलता हूं, चार्ट में लेकर जाने के बाद फिर जो है मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट में किस तरह से फ्लैग बनते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको मैं एक दिखा देता हूं, देखिए पहले मैं आपको पिक्चर बना के समझा देता हूं कि ये किस तरह से बनते हैं। देखिए मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो ऊपर नीचे से एक पोल बना इस तरह से, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है, ठीक है, सॉरी प्राइस जो है पॉज हो जाता है। पॉज मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन करती है, नीचे की तरफ आती है। मार्केट कभी भी कंटिन्यू सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलती है, मार्केट हमेशा जो है मतलब एक स्विंग लो बनाते हुए ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, और जो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा ये इस तरह से यहां पर ये देखिए, तो यहां पर एक फ्लैग टाइप का पैटर्न जिसको हम बोलते हैं फ्लैग टाइप का पैटर्न बन जाता है और प्राइस जो है मतलब इसके अंदर जो है कंटिन्यू ट्रेड करता है। ठीक है,
तो जब इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद जो है मतलब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और वो ट्रेड किस तरह से करना है बताऊंगा मैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस उसके बाद मान लीजिए यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो मैं 1 मिनट इसको मैं कलर व्हाइट कर देता हूँ। ये प्राइस नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर फाइनली क्या होता है ये इसका ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट पे ही हमको यहाँ पर जो है ट्रेड लेना होता है। तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मतलब किस किस स्टॉक्स में ऐसे पैटर्न बने थे, तो मैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो पैटर्न एक बना था, मैंने ट्रेड किया था, वो डीसीबी बैंक था। तो डीसीबी बैंक में मैं आपको दिखाता हूँ वो पैटर्न कब बना था और किस तरह से बना था। तो सॉरी मैं इसको यह करता हूँ, यहाँ पर एक पैटर्न बना था डीसीबी बैंक में, ये है, ये देखिए। अब यहाँ पर ये देखिए इसका पोल बना हुआ है, कि मैं आपको जो है इसको डिलीट करके फिर मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊंगा, तो आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने देखिए बिल्कुल सिंपल पैटर्न है और ये बहुत अच्छा एक पैटर्न होता है। ये देखिए प्राइस जो है मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोल बना, ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बाद देखिए इसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो है करेक्शन हुई है, मीन्स प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से हम ये ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, ये फ्लैग पैटर्न हो गया। तो इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है, पहले इसका एक पोल बना लेना है, पोल बनाने के बाद ये जो है एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर तैयार हो गया। अब देखिए हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। अब हमने इसका साइज देख लेना है, साइज मीन्स नीचे का प्राइस जहां से हमने पोल स्टार्ट किया है और ये ऊपर का प्राइस जहां पर ये पोल जाकर खत्म हुआ है। तो नीचे का जो प्राइस है आप वो देख सकते हैं वो 148 है, और ऊपर का जो प्राइस है वो प्राइस है 188। तो नियर अबाउट आप 40 रुपीज का टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, कि 40 रुपीज का यहाँ पर ये टारगेट हो गया। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड कब कब करना है, ट्रेड यहाँ पर देखिए इस ब्रेकआउट पर करना है। ये जो कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है इसका, यहाँ पर हमें ट्रेड करना है। और देखिए या तो आप इसके ऊपर, इस प्राइस के ऊपर अपना जो है प्राइस यहाँ पर रख सकते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर आप जो है इसको रीटेस्ट होने का वेट कीजिए। जैसे ये रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट होने के बाद जो है यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है, तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट देखिए क्या होगा, टारगेट हमारा यहाँ पर ये पोल होगा, जो ये पोल का जितना साइज है, जो मैंने 40 रुपीज अभी आपको बताया, तो ये 40 रुपीज का हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पर या तो देखिए मैंने स्टॉप लॉस में मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस आप दो तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। जो एक स्टॉप लॉस है, जैसे ये स्विंग लो लगा हुआ है, ये जो स्विंग लो है इस रेड कैंडल के नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर जो मतलब मेन जो इसका फंडा होता है वो आप इस जो हमने पोल, ये हमने फ्लैग जो बनाया हुआ है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा ही सेफ खेलना चाहते हैं, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस फ्लैग के अंदर जो स्विंग लो बना हुआ है आप इसके नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट अपना ये 40 रुपीज का होगा, तो देखिए यहाँ पर 186, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो हमारा टारगेट नियर अबाउट 326 के नियर अबाउट हमारा टारगेट होना चाहिए। तो देखिए 326 सॉरी 226 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 226 जो है टारगेट बहुत हमारा बहुत आराम से अचीव हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए इसने हाई जो लगाया है, ये 243 का हाई लगाया है, टारगेट यहाँ पर बहुत आराम से अचीव हुआ है। और देखिए मैं एक और में स्टॉक में बना था, वो उसको मैंने ट्रेड किया था, जुबिलेंट फूड में बना था, तो उसको भी मैंने ट्रेड किया था, तो मैं वो चीज भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जुबिलेंट फूड का चार्ट, हाँ यहाँ पर ये देखिए, देखिए ये मैं आप इसको फिर मैं डिलीट करने जा रहा हूँ और आपको फिर मैं करके बताऊंगा। इससे क्या होगा कि आप जो है ना मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने प्रैक्टिस कर सकोगे। ये बहुत इजी पैटर्न होता है, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्विंग लो से हमने यहाँ पर पकड़ लिया इसको, ठीक है, ओह सॉरी। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया इसका, और ये मैंने इसका सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। मैं आपको देखिए चीजें सारी बताऊंगा किस तरह से ट्रेड करना है। अब ये कैंडल देखिए, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल पे हमने ट्रेड करना है। इस ग्रीन कैंडल ने जो है देखिए इस जो फ्लैग का है जो ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इस कैंडल के ऊपर के प्राइस पर ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो 1665 रुपए 50 पैसे लगा हुआ है, मीन्स 1665.5 रुपीज 5 पैसा।
तो हम जो है 1666 और 67 पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट यहाँ पर देखिए नीचे का जो प्राइस है वो 1255 है, 1255 रुपये है, और ये जो ऊपर का जो प्राइस है वो है 1632। तो ये जो नीचे का प्राइस 1250 और ऊपर का प्राइस 1650 आप मान लीजिए, तो ये 400 रुपीज़ का जो है हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये टारगेट हमारा अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो 1650 से लेकर ये जो है नियर अबाउट 2000 के नियर अबाउट गया, तो लमसम लमसम हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो देखिए फर्स्ट टारगेट आपने कहाँ बुक करना है, जो ये साइज बन रहा है, पहले तो आप यहाँ पर कुछ टारगेट अपना बुक कर लीजिए, जो इसका जो रेंज जो बनी हुई है, जो रेंज के अंदर जो प्राइस है, मान लीजिए नीचे का प्राइस 1560 रुपये है और ऊपर का 1650 रुपये, तो नियर अबाउट 90 रुपीज़ का है। तो 90 रुपीज़ के नियर अबाउट आप अपना कोई टारगेट बुक कर लीजिए, बाकी जो है आप जो है ट्रेल कर सकते हैं, कंटिन्यू ट्रेल करते जाइए, ठीक है। और जो है मतलब ये पोल के साइज के हिसाब से जो है, जो पोल का ये साइज होता है, सॉरी एक मिनट, ये है इसका स्विंग लो लगा हुआ है, ये है 1300 रुपये और ये है ऊपर 1640 रुपये, तो 340 रुपये का यहाँ पर टारगेट है, ठीक है। हमारा 340 रुपये का टारगेट बहुत आराम से यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो इसमें भी मैंने ट्रेड किया था, और मैं आपको एक स्टॉक और बता देता हूँ, जस्ट डायल था, जस्ट डायल में भी फ्लैग पैटर्न बना था और उसने भी जो है बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था। तो यहां पर ये देखिए जस्ट डायल का, ये देखिए मैंने यहां पर भी लगा के रखा हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, हमने जो है बिल्कुल स्विंग लो से हमने उठा लिया है, स्विंग लो से हमने एक यहां पर पोल ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर ली है, और सेम जो है हमने ऊपर से जो इसका हाई लगा हुआ है, अब देखिए ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के बाद इसमें एक करेक्शन हुई है, तो ये करेक्शन जहां पर करेक्शन होगी वहीं पर फ्लैग तैयार होगा, ठीक है ना। तो आपने ऐसा नहीं है मार्केट में कहीं भी मतलब जाके तैयार कर देना है, खुद बखुद जबरदस्ती तैयार नहीं करना है, जहां पर तैयार होता होगा, जहां पर बनता होगा वहीं पर आपने ट्रेड करना है। तो देखिए यहां पर हमने एक ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नीचे जो सपोर्ट इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेनी है। बाकी अगर आप और सेफ खेलना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी और बता देता हूं। यहां पर देखिए जब आपके यहां पर चार पांच कंटिन्यू कैंडल एक ही प्राइस पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये देखिए यहां पर जो है कंटिन्यू एक ही प्राइस पर जो है रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये देखिए तीन चार कैंडल जो है, उसके बाद यहां पर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो आप यहां पर जो है ट्रेड अपना ले सकते हैं। देखिए जहां पर भी ब्रेकआउट होगा वहां पर एक बार आपको वॉल्यूम जरूर चेक करना है, अगर आप वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ट्रेड जो है 99% जो है बिल्कुल ओके होगा, ठीक है, और आप यहां से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अब आप यहां पर देखिए यहां जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के पास यहां पर वॉल्यूम देखिए कितना वॉल्यूम लगा हुआ है, देखिए ये ट्रेड जो है मतलब परफेक्ट ट्रेड होते हैं। और यहां पर देखिए ब्रेकआउट के बाद पोल का, चलिए हम पहले टारगेट का अपना देखते हैं कि 467 का लो है और जो है 672 का जो है हाई है, तो नियर अबाउट 200 पॉइंट्स का जो है यहाँ पर हमारा टारगेट निकल कर आता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि 200 पॉइंट्स का टारगेट हमारा यहाँ पर रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए 560 और यहाँ पर 826, तो 200 रुपीज से भी ज्यादा का यहाँ पर टारगेट मिल गया है। तो देखिए अगर फ्लैग आपका सही से बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ किया गया होगा तो आपको जो है टारगेट जो है मतलब पूरा प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो है यहाँ पर मल्टी कन्फर्मेशन चीजों का होना जरूरी है, अगर आप मल्टी कन्फर्मेशन पे ट्रेड करते हैं तो आपका ट्रेड जो है मतलब 99% जो है हमेशा ओके ही रहेगा। सबसे बड़ी चीज इसमें होती है माइंडसेट, कुछ अपना माइंडसेट भी ओके रखिए, ऐसा नहीं है कि प्राइस आपने 100 रुपये पर ले लिया, 100 रुपये से 98 पर आ गया तो आप जो है डरने लग जाते हैं कि नहीं यार कहीं नीचे ना आ जाए। अगर देखिए आपका कॉन्फिडेंस होगा तो फिर प्राइस जो है मतलब जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाएगा, हमेशा ट्रेंड की दिशा में जो है ट्रेड करिए, कभी ट्रेंड के अगेंस्ट जो है आप ट्रेड मत करिए, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ट्रेंड ही हमारा दोस्त है, ठीक है। अगर हम ट्रेंड के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्लैग देखिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, पैटर्न बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस करिए इसको अपने चार्ट पर। देखिए अब आपको पता करना है कि अभी जो है मतलब कौन कौन से स्टॉक में जो है फ्लैग बन रहे हैं, तो आपको वो चीजें ड्रॉ करके देखनी है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि अभी जो है दो चार स्टॉक में बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक में इस टाइम फ्लैग पैटर्न जो है बन रहे हैं। तो ACC में अभी एक तैयार हो रहा है फ्लैग पैटर्न, ठीक है, ये देखिए यहां पर मैंने ACC का मैंने ये चार्ट खोल लिया है, तो यहां पर ACC में जो है देखिए एक फ्लैग तैयार हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है जब इसका ब्रेकआउट होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है, आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जो कैंड जो यहां पर स्विंग लो लगा होगा वहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप जो है जो इस सपोर्ट के नीचे अपना जो है स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट अपना आपका ये होगा पोल, जो ये पोल बन रहा है ये 900 है और ये ऊपर जो है ये 1230 है,
नियर अबाउट 330 रुपये का टारगेट यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, अडानी एंटरप्राइजेज में भी जो है फ्लैग बन रहा है। ठीक है, आप इसको बना के देखिएगा, इसको एक बार चेक जरूर करिएगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब ये देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज में जो है एक ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर देखिए फ्लैग पैटर्न तैयार हुआ है। बट यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर डाउन ट्रेंड में बन रही है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न होते हैं, तो इसको ऐसा मत सोचिए ये ब्रेकआउट ज्यादातर जो है मतलब ये नीचे की तरफ देते हैं, बट ऐसा 100% नहीं है मार्केट में। देखिए 100% कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी देगा, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी दे सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है। ठीक है ना, ये इसका सपोर्ट लेवल है और ये काफी टाइम से जो है अभी नीचे की तरफ जो है सस्टेन कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये 99% जो है ये ऊपर की तरफ जो है इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। चलिए मैं आपको और एक दो स्टॉक बता देता हूँ, तो आप इसको जो है मतलब प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, देखिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पर जो है कामयाब बनाएगी। बजाज फिंसर्व जो है नेक्स्ट जो है फ्लैग जो बन रहा है अभी, इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो पोल का जो साइज है काफी बड़ा है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका टारगेट कितना बड़ा होने वाला है। ठीक है ना, इसका टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे 4200 और ऊपर जो है 9700, तो आप ये देख सकते हैं कि नियर अबाउट 4000 to 5000 पॉइंट का जो है यहाँ पर टारगेट है। तो यहाँ पर भी देखिए जो है ये इनवर्स फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो इनवर्स फ्लैग पैटर्न जो होते हैं वो ज्यादातर जो है डाउन ट्रेंड की मार्केट में बनते हैं, तो ये भी डाउन ट्रेंड है और इसके ब्रेकआउट ज्यादातर नीचे की तरफ होते हैं। बट यहाँ पर जो है थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज द सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल से जो है ऊपर की तरफ। अब ये देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट होने वाला है, ये ब्रेकआउट नियर अबाउट 99% ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होने वाला है। ठीक है ना, ऊपर देखिए मैं कोई इसका मार्केट का गॉड नहीं हूं कि मतलब मैंने जो कह दिया कि मतलब वही होगा। ब्रेकआउट देखिए इसका नीचे की तरफ भी हो सकता है, बट ये देखिए दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, तो मतलब हमको जो है मल्टी कन्फर्मेशन पर ट्रेड करना है, बिकॉज देखिए मैं मेरे कहने का मतलब क्यों मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज यहां पर आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं नीचे, ये जो वॉल्यूम जो नीचे देख रहे हैं ये वॉल्यूम काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना, काफी बड़ी वॉल्यूम यहां पर लगे हुए हैं, सो दैट आई एम सीइंग दैट ब्रेकआउट विल बी अपसाइड, सो बी कॉशियस। तो आप अपने ध्यान से मतलब अपनी ट्रेडिंग करिएगा। ठीक है, मैं आपको एक और स्टॉक बता देता हूं। ठीक है, जो मैंने अभी ये स्टॉक बताए हैं, तो प्लीज जो है आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस ही आपको जो है मतलब सक्सेस करेगी। तो यहां पर ये देखिए इंडसइंड बैंक में भी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इनवर्स फ्लैग पैटर्न। ठीक है, देखिए अभी तो मार्केट में ज्यादातर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना, मार्केट नीचे की तरफ ही जा रही है, तो सो यहां पर अभी बुलिश फ्लैग बहुत कम ही दिखाई देंगे, इनवर्स फ्लैग आपको ही दिखाई देंगे, ये बीरिश फ्लैग ही आपको ज्यादातर दिखाई देंगे। तो ये इंडसइंड भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ये बीरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। बीरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में मैं अगली वीडियो में बना के दूंगा आप लोगों को, तो आप कंटिन्यू जो है साथ में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो ये इंडसइंड बैंक है, तो यहां पर देखिए इंडसइंड बैंक किस तरह से एक ऊपर का पोल देखिए। ठीक है, ये 1352 रुपये है और नीचे 303 रुपये, तो ये 900 रुपीज का जो यहाँ पर एक पोल हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका टारगेट भी काफी बड़ा होने वाला है। ये स्टॉक देखिए काफी वीक हो चुका है, ये डाउन ट्रेंड में है, तो इसको ज्यादातर आप जो सेलिंग के लिए प्रेफर करिए इसको रेदर देन बाइंग। ठीक है, तो इसको मतलब आप पहले इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, किस तरह ब्रेकआउट होता है प्रॉपर इसका वॉल्यूम चेक करिए, सब कुछ देखिए, उसके बाद ट्रेड करिए। मैंने जो आपको चार स्टॉक बताए हैं जो अभी जिसमें फ्लैग बन रहे हैं, इसको अपने चार्ट खोलिए, इसको बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपको जो कामयाब बनाएगी। बाकी देखिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें देखिए क्या है, उसमें मैं चार्ट पैटर्न वगैरह शेयर करते रहता हूं। ठीक है ना, जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वो एनालिसिस उसमें मैं शेयर करता हूं। अगर आप चाहें तो वहां जाके जो है आप चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं, उसको देख के आप अपने चार्ट पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, थैंक यू।